अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लोकल बिज़नेस स्कीमा मार्कअप के बारे में। तो अगर आपकी वेबसाइट जो है उसके सर्विसेज पेजेस वगैरह नहीं है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपने होम पेज पे। अगर वो मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो फिर होम पेज पे नहीं यूज़ करना, आपने उसके सर्विसेज पेजेस पे से यूज़ करना है। तो ये आप इसका इंटरफेस वगैरह देख सकते हैं, ये लोकेशन वगैरह इधर शो होती है और इधर सोशल मीडिया के आइकन वगैरह भी आ जाते हैं। तो इसके लिए हम एक प्लगइन यूज़ करते हैं जिसका नाम है ऑल इन वन स्कीमा। ये एक्टिवेट करने के बाद आपने जाना है सर्विस पेज के ऊपर। फॉर एग्जांपल मेरा पेज है प्लम्बर का, यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा सर्विस, यहाँ से उसकी कोई इमेज वगैरह होगी प्लम्बर की तो वो आप अपलोड करेंगे, उसका यूआरएल कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे प्लम्बर लिख दिया, यहाँ पे अगर न्यूयॉर्क है तो न्यूयॉर्क, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दें अपने पेज की और ये कौन सी कंपनी कर रही है, यहाँ पे कंपनी का नाम आ जाएगा, यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस, ये फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा सूबे का नाम, सॉरी आई मीन सिटी का नाम, यहाँ पे सूबे का नाम, यहाँ पे पोस्टल कोड, यहाँ पे आपकी कंपनी की इमेज वगैरह आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ये मेरी कंपनी की इमेज है, इसमें कवर फोटो या उसका कोई बड़ा सा लोगो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे उसका नंबर लिख सकते हैं, अगर रेटिंग अनेबल करनी है तो वो भी कर सकते हैं, पब्लिश कर देंगे। तो ये आ गई यहाँ पे साइट डिटेल वगैरह, एरिया में आप लिख सकते हैं सिटी का पूरा नेम। अब इसे चेक करेंगे हम गूगल स्ट्रक्चर डाटा टूल में। तो इसके रिव्यू वाले सेक्शन में थोड़ा इशू है, रिव्यू आप ना यूज़ करें, दूसरा आप यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। या मैं इधर से आपको रिमूव करके दिखा देता हूँ जस्ट फॉर कंफर्मेशन। अगर आपकी लोकल बिजनेस की वेबसाइट है तो इसे आप मस्ट यूज़ करें, ये बहुत काम की चीज़ है और इसे ज़रूर यूज़ करना चाहिए। असल में गूगल ने इसे अपडेट किया है थोड़े दिनों पहले, अब ये रिव्यूअर का नेम वगैरह भी मांग रहे हैं इसमें।